So how do we end up here? Could've sworn we said forever. Hopelessly I keep on losing myself. With the flames getting higher, all of the problems that I couldn't help. Oh, I'm building a bomb. Oh, I don't mind a little rain on my suit. A little bit of angry makes you cute. And we've been watching this show so long, but it feels like everything that we wrote went back into the Bentley used. Won't take long, even when I'm without you, and I'm without you, bees. Listen up. हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल जिंदगी व्लॉग्स। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग आ चुके हैं इको पार्क। आज आप लोगों को दिखाने वाले हैं इस वीडियो में इको पार्क। चलिए पूरा इको पार्क आप लोगों को दिखाते हैं। तो देख लीजिए मेरे पीछे यहाँ पे बोटिंग हो रहा है। आप लोग भी चाहे तो यहाँ के बोटिंग कर सकते हैं। यानी टिकट की बात करें तो 20 रुपीज़ है इसका टिकट प्राइस। ये देख लीजिए यहाँ पे पहले जो लड़ाई वगैरह होता था यही सब इक्विपमेंट यूज़ किया जाता था लड़ाई के लिए, वही सब यहाँ पे लगाया गया है। ये देख लीजिए बच्चे लोग का झूला वाला सेक्शन। तो ये देख सकते हैं मेरे पीछे कितना बड़ा ग्राउंड है। यहाँ पे आप लोग पिकनिक वगैरह बना सकते हैं, घूमने आ सकते हैं इस साइड। और ये मेरे सामने आप लोगों को देखने को मिल जाता है एडवेंचरस पार्क। देख लीजिए यहाँ पे आप लोग एडवेंचर कर सकते हैं। तीन चार तरह के एक्टिविटीज़ वगैरह है यहाँ पे। बहुत लार्ज स्केल में बनाया गया है इसको भी। ये देख लीजिए कितना बड़ा ग्राउंड है। ये पार्क बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है ये पार्क। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे एक्टिविटीज़ कराया जाता है। ये देख लीजिए ये एक एरोप्लेन का अच्छा खासा मतलब यहाँ पे आर्टिफिशियल बनाया गया है इसको, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है इस ग्राउंड में देखने को। ये देखिए ये भी गेट खुला हुआ है इस साइड से, मतलब मोहल्ला का जितना बच्चे लोग इधर से आ जाते हैं। ये देखिए फ़ोटोज़ वगैरह लेने के लिए यहाँ पर वेलकम लिखा हुआ है। गाइस सीरियसली यहाँ पे इतना सुकून मिल रहा है ना, मतलब बहुत अच्छा हवा चल रहा है बिकॉज अभी बारिश का मौसम चल रहा है ऊपर से, और यहाँ का लोकेशन भी बहुत बेस्ट है। ये देख लीजिए गाइस ये सब भी लोकेशन फोटोशूट के लिए बहुत ही अच्छा है, इधर आप लोग फोटोज़ वगैरह ले सकते हैं। और ये देख लीजिए बैठने के लिए कितना अच्छा और कितना अच्छा हवा चल रहा है यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल रहा है। और ये देख लीजिए पूरा प्ले ग्राउंड टाइप का बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है। ये देख लीजिए यहाँ पर स्केटिंग वगैरह किया जाता है, डेली सीखा भी जाता है और प्रैक्टिस भी किया जाता है। ये देखिए गाइस किस तरह का डस्टबिन बनाया गया यहाँ पे। और ये रहा बोटिंग वाला, 100 रुपीज़ में 30 मिनट्स मिलेगा आप लोगों को 4 आदमी का। और यहाँ देख सकते हैं सबको बैठे हुए, इधर बोटिंग कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे आके। ये देखिए गाइस ये अंडरग्राउंड टनल, इधर से आप लोग नीचे से जाएंगे और ये देख सकते हैं रोड जो चल रहा है, रोड के उस पर पहुँच जाएंगे, सचिवालय जो है उसके उस साइड आप लोग पहुँच जाएंगे। इस साइड से अगर जाएंगे तो इस टनल से निकलेंगे सीधा उस पार, मतलब रोड के नीचे से बनाया गया है इसको, देख लीजिए। तो गाइस देख सकते हैं बारिश का मौसम हो चुका है, ऊपर देखिए पूरा ही खतरनाक वाला बारिश आने वाला है। अभी पूरा अंधेरा हो चुका है इको पार्क में। ये देख लीजिए गाइस ये है रावण, इको पार्क है, रावण का स्टैचू और तूफान पूरा बढ़ चुका है इधर। और व्यू क्या ही ओपी लग रहा है, यहाँ बैठने के लिए स्लॉट से मिल जाता है आप लोग को, देख लीजिएगा। ओके सो तो गाइस आज के ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Could have sworn we said forever. Hopelessly I keep on losing myself. With the flames getting higher, all of the problems that I couldn't help.